हेलो, नमस्ते, आदाब। सबसे पहले शुरू करते हैं आज की हेडलाइन से। इंडियन आइडल शो में नेहा कक्कड़ ने किया बड़ा खुलासा। स्टेज पर आते ही एंजाइटी अटैक। नए साल में बजने जा रही है इस ऐतिहासिक किरदार की दुमदुबी। देखिए नए टीवी शो की रोचक तस्वीरें। बिग बॉस 14, राहुल महाजन ने पत्नी को लेकर किया खुलासा। बताया नतालिया इलीना ने अपना लिया हिंदू धर्म। अर्शी खान ने विकास गुप्ता को बताया धोखेबाज, कहा ये आदमी बिल्कुल भी पसंद नहीं। बेटी आदित्य नारायण के रिसेप्शन पर पापा उदित नारायण और मां ने दी रोमांटिक परफॉर्मेंस, बजी सीटियां। अब कपिल शर्मा ने गोविंदा को लेकर कृष्णा अभिषेक पर कसा तंज। वीडियो में देखे आगे क्या हुआ। दोस्तों, मैं पायल फिर लाई हूँ खबरों का सिलसिला, जिनको सुन के आपको यकीन हो जाएगा कि छोटे पर्दे के कलाकारों की न्यूज हमारे फिल्मी दुनिया की गॉसिप से कहीं भी कम नहीं है। जी हाँ, आपको रोज मिलेगी लेटेस्ट चटपटी गॉसिप्स विद फुल ड्रामा एंड न्यूज, तो आप तो बस मजा लीजिए। रोहन प्रीत सिंह संग शादी करने के बाद नेहा कक्कड़ इन दिनों इंडियन आइडल शो में जज की भूमिका निभा रही है। प्रतियोगियों की कहानी सुनकर नेहा कई बार शो में भावुक हो जाती है। शनिवार को इंडियन आइडल के एपिसोड में चंडीगढ़ से प्रतियोगी अनुष्का बनर्जी पहुंची थी। अनुष्का बनर्जी ने बताया कि उन्हें एंजाइटी है जो उन्हें हर जगह प्रभावित करती है, इस वजह से वह कई प्रतियोगिताओं से भी बाहर हो चुकी है। उन्होंने बताया कि उनके माता पिता ने रिजोल्यूशन लिया था कि जब तक वे टॉप 12 में नहीं पहुंच जाती तब तक वे सामने नहीं आएंगे। इसी वजह से उन्हें कंटेस्टेंट खूब पसंद करते हैं। इस बार नेहा ने शो में एक खुलासा कर सबको चौंका दिया। अनुष्का की ये बात सुनकर नेहा कक्कड़ ने खुलासा किया कि उन्हें भी इसी तरह की दिक्कत है। नेहा ने बताया कि जब भी वे स्टेज पर जाती हैं तो उनके दिल की धड़कनें बहुत ही तेज हो जाती है और साथ ही उनके हाथ भी कांपने लगते हैं। वेल नेहा, आपने तो अपने फियर से जीत पा ली है, होप तो ये कंटेस्टेंट भी जल्दी जीत जाए। मुंबई में चर्चा है कि नए साल के पहले ही हफ्ते में शुरू होने जा रहे एक ऐतिहासिक धारावाहिक की टेलीविजन के कुछ नए पुराने सुरमा अगले महीने से एक नया ऐतिहासिक शो लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम है पुण्य श्लोक अहिल्याबाई। जैसे ही नाम से ही मालूम होता है कि ये सीरियल इतिहास की एक मशहूर शख्सियत पर आधारित है। पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो 18वीं सदी का एक पीरियड ड्रामा है, जो एक साधारण लड़की अहिल्याबाई होलकर के असाधारण जीवन पर आधारित है। अपने ससुर मल्हार राव होलकर के समर्थन से अहिल्याबाई ने पुरुषवादी समाज के पहले से तय ऐसे नियमों को दरकिनार किया, जिनके कारण महिलाएं अपने अधिकारों से वंचित रह जाती थी और उनकी आवाज दबा दी जाती थी। उन्होंने समाज में अपने उल्लेखनीय ऐसे सत्कारात्मक योगदान के जरिए एक ऐसी मिसाल कायम की जो लिंग या जन्म से नहीं बल्कि कर्मों से महान बने। ये धारावाहिक वाकई बहुत ही अच्छा होने वाला है, जहां समाज के लिए एक नई सोच ये पैदा करेगा। बिग बॉस के कंटेस्टेंट रह चुके राहुल महाजन जल्द ही इस सीजन में भी एंट्री करने वाले हैं। उनकी दोनों पूर्व पत्नियों श्वेता सिंह और डिम्पी गांगुली ने उन पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था। राहुल ने तीसरी बार कजाकिस्तान की मॉडल नतालिया इलीना से शादी की है। अब राहुल ने अपनी शादी पर बात की है। राहुल महाजन ने अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में कहा कि हमारी शादी सही ट्रैक पर रहे इसके लिए संतुलन बनाए रखना जरूरी है। हम रेलवे के दो ट्रक की तरह है, बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करते हैं, हाँ एक दूसरे का काफी ख्याल रखते हैं। बता दें कि नवंबर 2018 में राहुल महाजन ने एक प्राइवेट सेरेमनी में नतालिया से शादी की थी। राहुल महाजन नतालिया से 18 साल बड़े हैं। ड्रग स्कैंडल में फंस चुके राहुल फिलहाल आध्यात्मिक की राह पर चल रहे हैं। आपके बारे में सुनते ही सबसे पहले राहुल आपकी याद आती है हमको वो हंसी।
बिग बॉस 14 में एंट्री से पहले ही अर्शी खान स्टेज पर सलमान के सामने विकास गुप्ता और राखी सावंत से भिड़ गई और शब्दों के खूब तीखे बाण छोड़े। सलमान खान ने जब अर्शी खान से पूछा कि आपके इर्द गिर्द खड़े दिग्गज लोगों में से आपको कौन पसंद नहीं है, तो अर्शी ने विकास गुप्ता का नाम लिया। अर्शी ने कहा, मुझे ये आदमी बिल्कुल भी पसंद नहीं। विकास गुप्ता जी, ये बहुत ही धोखेबाज आदमी है। जिस तरह की दोस्ती निभाई गई और फिर बिग बॉस से बाहर निकाल कर जो नज़रअंदाज किया सलमान के सामने, सिर्फ अर्शी खान और विकास गुप्ता के बीच की कड़वाहट ही देखने को नहीं मिली, बल्कि अर्शी राखी सावंत से भी भिड़ गई। राखी सावंत अर्शी को दोस्त बताती है और उनके एक बयान को लेकर तंज कसती है, जो अर्शी ने राखी को लेकर मीडिया में दिया था और कहा था कि कौन है राखी सावंत। हमारी अर्शी भी कम नहीं है, उन्हें जहां मौका मिले वो वहीं भिड़ जाती है। उदित नारायण के बेटे आदित्य नारायण ने 1 दिसंबर को गर्लफ्रेंड श्वेता अग्रवाल से शादी की थी और 2 दिसंबर को उनका वेडिंग रिसेप्शन रखा गया। आदित्य नारायण और श्वेता अग्रवाल के वेडिंग रिसेप्शन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जिसमें उदित नारायण ने वाइफ दीपा नारायण के साथ एक रोमांटिक डांस परफॉर्मेंस दी। रिसेप्शन पर जहां आदित्य और श्वेता ने एक दूसरे के साथ खूब डांस किया, तो वहीं सरप्राइज परफॉर्मेंस भी दी। लेकिन सबसे ज्यादा स्पेशल और सरप्राइज भरी परफॉर्मेंस रही उदित नारायण और उनकी वाइफ दीपा नारायण जी की। उदित ने अपने गाने मेहंदी लगा कर रखना, बीवी के साथ रोमांटिक डांस परफॉर्मेंस दी, जिस पर खूब सीटियां बजी। वाकई सीटियां तो बजने ही थी, परफॉर्मेंस थी ही इतनी धमाकेदार।